बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है, तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है। मैं विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा टेस्टेड सिस्टम बना है जिसमें लाभार्थियों को उनका हक बिना किसी बिचौलियों के और बिना किसी लीकेज के सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं, वो जिसे हम कहते हैं कि बीपीएल से बाहर आ चुके हैं। और उसी तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से भारत में एक्सपोर्ट में लगातार रिकॉर्ड कायम करने का के आगे हम अग्रसर हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारी इकॉनमी फॉर्मल इकॉनमी की ओर अग्रसर हुई है। डिजिटल इंडिया से देश की इकॉनमी ने न केवल मजबूती पाई है बल्कि अब वैश्विक छाप भी हम छोड़ रहे हैं। इस बार बजट का लगभग 9 प्रमुख बिंदुओं के साथ यह बजट आया है। पहला, प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। तीसरा, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना। पांचवा, अर्बन डेवलपमेंट। छठा, एनर्जी सिक्योरिटी। सातवा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आठवां, इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट। और नौवां है नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स को लाना। बजट इन 9 बिंदुओं पर आधारित है और यह बजट कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ भी ध्यान दिलाता है, जैसे रोजगार और कौशल, नेचुरल फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ मुख्य धारा में हमारी महिला शक्ति को, बालिकाओं को मुख्य धारा में लाना और उनका सशक्तिकरण करना, किसानों का ध्यान रखना, अन्नदाता का ध्यान रखना, हमारे दलित भाइयों का ध्यान रखना, हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करना, ये सारे बिंदु इस बजट में समावेश किए गए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तम उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का निर्णय एक सराहनीय पहल है, जिसके तहत लगभग 63,000 गांव जो आदिवासी गांव हैं उनको कवर किया जाएगा और लगभग 5 करोड़ आदिवासी भाइयों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, उन सबको आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, इन सब के प्रति समर्पित बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और इसलिए मैं पुनः इस कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि बधाई